अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019 या दोस्तों जिसका नाम है आपका बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पेपर में दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, सिर्फ उन क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट वन है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट टू और थ्री का लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्या करना होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके रेड कलर के बटन दिख रहे हैं हल्का सा उसको टच कर देना, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि पठन कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सात, चार प्रकार के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, और आपको दोस्तों हर क्वेश्चन पर अपने आप को मार्क करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा आपका चार, विकल्प नंबर स। तीसरा प्रश्न दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, पठन भाषा शिक्षण का रूप है। कैसा रूप है दोस्तों आपका, व्यवहारिक, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्धता। ठीक है ना, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु आपका है क्रमबद्धता। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, उसको देखते हैं, भाषा की कितनी इकाइयां हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ब, तीन। अब दोस्तों बात आती है वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, वर्ण के दो भेद होते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त अगर मात्राओं के आधार पर बात की जाए तो स्वर आपके तीन प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका 33, हिंदी में आपके व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। नौ नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होते हैं कितने होते हैं दोस्तों। पहला तो एक आपका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका द्वित व्यंजन। तो दोस्तों आपका दोनों विकल्प सही है, तो मतलब इसका आंसर होगा आप लगभग दोनों। दस नंबर दोस्तों प्रश्न रहा, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, क्या आंसर होगा दोस्तों, एक तो हो गया तद्भव, दूसरा हो गया तत्सम। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा तद्भव तत्सम दोनों, ठीक है, ये विकल्प सात नंबर सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्यारह नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, एक तो विकारी शब्द हो गया दोस्तों अविकारी शब्द, या आप लगभग दोनों, इसका आंसर होगा दोस्तों विकारी प्लस अविकारी, ठीक है, मतलब सा विकल्प। बारह नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्वनि क्या होती है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आपका ध्वनि ध्वन्यात्मक भाषा या शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, तो दोस्तों आपका सा विकल्प फिर से सही हो जाएगा, दोनों विकल्प आपका सही है। अब दोस्तों तेरह नंबर प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि के मूल तत्व होते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अब 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें कौन कौन सी दोस्तों, उत्पादन, संवहन, ग्रहण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर फिर से हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किस चीज का, मानवों के मुख से निस्तृत ध्वनि का। ठीक है, 16 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको देखते हैं, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। तो दोस्तों उच्चारण उपयोगी के अवयव कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला काकल, दूसरा कंठ, तीसरा दंत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों उपरोक्त सभी। 17 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 36, ठीक है, ध्वनि विज्ञान में व्यंजन की संख्या 36 है। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवा के आधार पर या हस्व दीर्घ के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सा, आप लगभग दोनों, ठीक है। पहले दोस्तों 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, हस्व के में स्वर होते हैं, हस्व में दोस्तों आपके कितने स्वर होते हैं, चार स्वर होते हैं, ठीक है। 20 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, एक तो वृत्ताकार अवृत्ताकार स्वर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आप लगभग दोनों, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं किस नंबर प्रश्न हमारा क्या है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर, निरुनासिक स्वर। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर सा फिर से सही होगा, आप लगभग दोनों। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता।
तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, इसके बिना भाई व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, स्वर स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिन्हा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रत्यय, या उपरोक्त सभी। दोस्त तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कविता शिक्षण के उद्देश्य से होते हैं क्या क्या। दोस्तों छात्र में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, दूसरा छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, तीसरा है दोस्तों छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, चौथा विकल्प दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्त इसका द विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नाटक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, पहला दोस्तों विकल्प है छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, दूसरा दोस्तों छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, तीसरा बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका नाटक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ये सभी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ख वर्ण में कौन से वर्ग में आता है, दोस्तों कौन से वर्ग में आता है ख वर्ण आपका, ये आपका दोस्तों क वर्ग में आता है, कौन से वर्ग में आपका क वर्ग। अब दोस्तों बात होती है अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं, ये दोस्तों आपको बताना है, इसमें 26 होते हैं ना, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोलते हैं वर्ड 26, वाविल 5 होता है अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू पढ़ा ही होगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, अर्थ की दृष्टि से शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 8 प्रकार के, ठीक है ध्यान में रखना है। 30 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 2, ठीक है ना प्रयत्न। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, य र ल व व्यंजन है दोस्तों, किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों, यह अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर सा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने काफी बार पढ़ा होगा। अब देखते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्णमाला, ठीक है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शब्द, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं। 34 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, पाठशाला शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों आपका, ये यह यौगिक शब्द है, ठीक है। 35 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, रचना के अनुसार। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, वाक्य के भाग हैं दोस्तों, ये आपको बताना वाक्य के कितने भाग हैं, तो दोस्तों इसका उद्देश्य और विधेय, ये दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सविकल्प, मतलब दोनों भाग दोस्तों, अ प्लस ब विकल्प दोनों सही है। 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, ख ध्वनि है, कैसी ध्वनि दोस्तों आपकी, महाप्राण, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। 38 नंबर दोस्तों प्रश्न है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है क्या होता है दोस्तों, कंठ आपका, ठीक है, क से कंठ याद रखेंगे। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अ ई उ री स्वर है, कैसे स्वर है दोस्तों आपके, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 40 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये आपको दोस्तों बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका ब्राह्मी, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं, ये दोस्तों आपको बताना है, इसका आंसर होगा सुलेख विहीनता, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों, सभी बच्चों को पता है, विस्मय सूचक, या अंग्रेजी में एक्सक्लामेटरी बोलते हैं ना, एक्सक्लामेटरी। अब बात आती है दोस्तों 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, विराम चिन्ह, ये क्या आपका दोस्तों कॉमा बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अल्प विराम, कौन सा विराम दोस्तों आपका, ये अल्प विराम है। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, हिंदी में वर्डों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हिंदी में 52 वर्डों की संख्या होती है। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दंतव्य व्यंजन का वर्ण न किस वर्ग में आता है, तो दोस्तों ये आपका न जो सा वर्ग है इसका नाम है आपका त। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आश्चर्य हर्ष शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कौन सा बोधक चिन्ह दोस्तों, ये लाना एक्सक्लेमेटरी वाला, ठीक है ध्यान में आ गया आप लोगों के, इसको टिक करेंगे सा विकल्प। अब दोस्तों बात करते हैं कोष्टक चिन्ह है, ये देखिए दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इति 3 के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, क्या प्रयोग होता है, ये वाला चिन्ह याद रखेंगे आप लोग,
ठीक है। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी बच्चे बना लेते होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों काफी बच्चे पेपर में तो जीरो नहीं पाते, क्वेश्चन मार्क ही पा जाते हैं, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगता है। 50 नंबर दोस्तों प्रश्न रहा, निर्देशक चिन्ह जैसा या डैश क्या होता है, निर्देशक चिन्ह या डैश। तो दोस्तों ये वाला देख रहे हैं ना आप लोग, डैश कुछ भी आप लोग लिखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर डैश लगा है के पहले, ये सब डैश है आपका। 51 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां है। देखिए चिकनी तख्ती का होना चाहिए, लेखनी तख्ती पर हाथिया बनाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर विकल्प नंबर द होगा, उपरोक्त सभी। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक चिन्ह क्या होता है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सा विकल्प, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपका एक अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको दिख ना रहा तो हम बता देते हैं, जैसे दोस्तों अगर कभी आप लोग गांव लिखते होंगे तो कैसे दोस्तों ये एक अनुनासिक चिन्ह बनाते हैं, यही आपका गांव हो गया दोस्तों, अगर आप मां लिखते हैं तो एक ऐसा चिन्ह बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब आपका अनुनासिक चिन्ह होता है, ये वाला जो बिंदु आप ऐसे चंद्रमा जैसे बना के लगाते हैं वही है आपका अनुनासिक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ड वर्ग किस वर्ग में आता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ट वर्ग में, या डी का ढ टाइप का लिखा है ना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोमल का विलोम शब्द होगा, कोमल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोर, कहते हैं ना तुम बहुत कोमल, फिर एक आदमी बहुत कठोर हो जाता है। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, गणित का समानार्थी शब्द होगा, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका लंबोदर। तो लंबोदर तो दोस्तों आपने सुन रखा होगा, गणेश चतुर्थी आई थी, ठीक है। 56 नंबर दोस्तों अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगम का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अगम का दुर्लभ, याद रखना है। 57 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वरों की सहायता से बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता वे कहलाते हैं, वे दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क प्लस स के योग से निर्मित व्यंजन होता है, क्या होता है दोस्तों, आपका छ बनता है ना, ये तो दोस्तों ध्यान में होगा, ठीक है। 59 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, अंग ई ड न म वर्ण है, कैसा वर्ण दोस्तों आपका, अनुस्वार, अनुस्वार है दोस्तों। अब बात करते हैं 60 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से हम व्यक्त करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, ऊपर देखने बिंदी लगी एक छोटी सी ना, वही। अब दोस्तों बात आती है 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, इकाई की दोस्तों बात कही गई है। अगर दोस्तों 10 तक अंक लिखेंगे, 1 2 3 4, दोस्तों देख रहे हैं आपका इकाई यहाँ पर 1 2 है, अगर दोस्तों आप लिखेंगे 8 लिखेंगे, यहाँ पे इकाई 8 हो जाएगी, 9 लिखेंगे इकाई 9 हो जाएगी, और दोस्तों आप जब 10 लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपकी इकाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिमाग से क्वेश्चन पूछा गया है, आप गलती कर सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान देना है कि 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई का अंक है आपका 9। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 75 सम संख्या है दोस्तों, आपको उत्तर देना है नहीं विषम संख्या है, ठीक है। मतलब ये पूछा गया था क्वेश्चन में 75 संख्या कैसी है, सम है या विषम, ठीक है। आरोही क्रम दोस्तों 63 नंबर पूछा गया, इसका मतलब होता है आरोही का बढ़ता हुआ क्रम, तो दोस्तों देखिए 10 लिखा, 10 के बाद 8 आ गया, 7 आ गया, 4 3 2, ये आपका दोस्तों अवरोही क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है। आरोही का मतलब दोस्तों याद रखिए हमेशा बढ़ता हुआ क्रम, हमेशा आगे बढ़ता हुआ जाना है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ सीरीज जो भी आप समझ रही है, 3 4 7 9 11, देख रहे हैं दोस्तों लोग बढ़ रहे हैं ना, पहले 3 पर थे फिर 4 आ गया फिर 7 9 11, तो इसका आंसर बस सही हो जाएगा। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं कौन सी दोस्तों, जोड़ घटाना भाग गुणा, जी हां दोस्तों दोनों विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं दोस्तों जोड़ की क्रिया में, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़े से, जी हां दोस्तों उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, इकाई को इकाई से जोड़ देना दोस्तों हमको, कभी तो ऐसा होता नहीं इकाई को हम दहाई से जोड़े। 66 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, गुणा में संक्रियाएं होती हैं दोस्तों, कैसी होती है, गुड़ या गुड़क, गुणनफल, उपरोक्त सभी, तो इसका भी दोस्तों आंसर आपको उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, कि एक दहाई में कितनी इकाई होती है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका तो द विकल्प हो जाएगा 10, लेकिन होता कैसे दोस्तों आइए इसको समझाते हैं। पहले दोस्तों अगर आप गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा गिनती लिख देते हैं, तो सबसे बड़ी दोस्तों आपकी इकाई होती है 9, अभी आपने देखा, अगर 9 इकाई में दोस्तों हम लोग एक इकाई और जोड़ देते तो दोस्तों हमारा क्या बन जाता है, ये दोस्तों बनता है आपका 10 इकाई, ठीक है। 9 इकाई में एक और इकाई जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 10 इकाई तो बनेगा ना, हम इकाई में इकाई जोड़ रहे तो 10 इकाई, या लेकिन दोस्तों हम 10 को बोल सकते हैं आपका एक दहाई, बोल सकते हैं कि नहीं ये बताइए जरा आप लोग। तो मतलब दोस्तों हमारा साफ हो गया, क्या था दोस्तों हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, सबसे बड़ी दोस्तों हमारी इकाई होती है 9, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 9 सबसे बड़ी इकाई है, उसमें और एक इकाई जोड़ देते हैं तो दोस्तों हमारा बन जाता है 10, तो दोस्तों ये आपका 10 इकाई बना, ठीक है। लेकिन हम दोस्तों इसको बोलते क्या है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कि एक दहाई बराबर 10 इकाई, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बस
ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एक दहाई में कितनी इकाई होती है दोस्तों, 10 इकाई होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती है, 2 सैकड़े का मतलब दोस्तों 200 है, उसमें दोस्तों इकाई अगर हम एक इकाई जोड़ेंगे फिर एक इकाई जोड़ेंगे फिर एक एक इकाई जोड़ते 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 दोस्तों कितनी बार जोड़ेंगे, 200 बार। तो दोस्तों 2 सैकड़े में आपकी कितनी इकाई हो जाएगी, इसका आंसर आएगा आपका 200। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ पाया तो 69 में समझ जाएंगे। 3 सैकड़े में दोस्तों कितनी दहाई होती है, दोस्तों हमने देखा कि 10 इकाई आपकी मिलकर एक दहाई को बनाती है, 10 इकाई बराबर दोस्तों तो आपका 1 दहाई, अभी आपने देखा दोस्तों। ठीक है, बोला क्या 3 सेकंड में कितनी दहाई होती है, ठीक है दोस्तों 10 इकाई बराबर 1 दहाई है, जब 3 सेकंड का मतलब दोस्तों आपका 300, ठीक है 10 से भाग कर देंगे दोस्तों क्योंकि 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 से भाग कर देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 30। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30 10 से भाग करने के बाद। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि 3 सेकंड का मतलब होता है आपका 30 दहाई। अब दोस्तों अच्छा क्वेश्चन 70 नंबर आ गया, 1 सैकड़ा बराबर होता है दोस्तों, यहाँ दहाई की बात की गई, दोस्तों सैकड़ा का मतलब कितना हो गया आपका 100 हो गया ना, 100 में दोस्तों अगर हम 10 इकाई बराबर 1 दहाई तो मतलब 1 दहाई से भाग कर दे 10 से मतलब, तो 1 0 कट गया, मतलब दोस्तों आपका बचा कितना 10 दहाई। तो दोस्तों आपका 1 सैकड़ा बराबर होता है आपका 10 दहाई। थोड़ा मैथमेटिकल हो गया दोस्तों लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे, समझ में आपके आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, 134 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपका सा विकल्प हो जाएगा 4, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 72 नंबर क्वेश्चन, 84 में इकाई का अंक क्या दोस्तों, इसमें भी आपका मतलब दोस्तों इसमें पूछा गया कितनी इकाइयां हैं दोस्तों, तो 84 दोस्तों इकाई है, अगर दोस्तों हम एक एक इकाई को दोस्तों कितनी बार जोड़ेंगे 84 आ जाए, तो इसका आंसर होगा आपका द विकल्प 84 बार। कभी दोस्तों इकाई पूछा है कि इस संख्या में कितनी इकाई है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों आप एक एक इकाई जोड़ते जाइए उतने बार आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि 73 में 38 में कितनी दहाई है दोस्तों, आपको ये बताना है। 38 में दोस्तों दहाई आपको सिंपल था, आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3 दहाई है, 8 इकाई है, ठीक है 3 आपका क्या हो जाएगा 2.5, आपका विकल्प नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, 10 इकाई के योगों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों 10 बार जब हम इकाई जोड़ते हैं तो उसका योग जो आता है उसको हम बोलते हैं 1 दहाई। दोस्तों अभी हमने आपको जोड़ बताया ना, अगर दोस्तों आप 10 बार एक एक को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा टोटल बनेगा 10, 10 इकाई, या 10 इकाई को दोस्तों हम बोलते हैं आप लोग 1 दहाई, या दोस्तों आप 9 को एक सीधे जोड़ दीजिए, 9 सबसे बड़ी इकाई होती है, 9 + 1 कर दीजिए, 9 भी इकाई है 1 भी इकाई है, तो दोस्तों जुड़ के आपका 10 इकाई बनेगा, इसको आप बोलते हैं 1 दहाई के बराबर। अब दोस्तों बात आती है 75 नंबर क्वेश्चन, 10 दहाई के योग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जब 10 बार 10 10 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा आपका सैकड़ा बन जाएगा 100। ठीक है, 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, हिंदी में स्वर होते हैं कितने होते हैं दोस्तों आपके, 11, बाय विकल्प सही है। 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के उच्चारण प्रयोगी अवयव हैं कौन सा दोस्तों आपका, काकल कंठ दंत या उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका द विकल्प उपयुक्त सभी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों, उसको देखते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, ठीक है ना, ध्वनि विज्ञान में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि मानव के मुख से निकली ध्वनि। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के दोस्तों, पहला वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, या आपका सा विकल्प आ प्लस ब दोनों, इसका सही आंसर स हो जाएगा। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका 3 भागों में। दोस्तों देखिए ये सब प्रश्न आपके 2016 में पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं, स्वर तंत्री में कंपन से, स्वास्थ्य की मात्रा से, जिन्ना तथा अन्य अवयव द्वारा, या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों उपयुक्त सभी, या आपको दोस्तों जीवा टाइप ने देखा होगा जीव। अब दोस्तों बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका न, दंत व्यंजन। 83 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, आश्चर्य हर्ष शोक उत्साह इत्यादि में व्यक्त करने में प्रयोग होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह का, ठीक है इक्लामेट्री साइन, ठीक है सबको बचा दोस्तों, ऐसे डंडी खींचे नीचे बिंदी लगा दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, ढ किस वर्ग में आता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट वर्ग में आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये संख्या मतलब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। 13 नंबर दोस्तों, 13 क्या सम संख्या की विषम है, इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। दोस्तों अगर कोई सम विषम की कभी भी ऐसी दिक्कत आए
कोई भी संख्या दोस्तों अगर 14 दिया गया उसको 2 से भाग करके, जी हाँ दोस्तों किसी भी संख्या को 2 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं वो सम है या विषम। अगर दोस्तों 2 से पूरा भाग चला जाता है तो वो सम संख्या है, नहीं तो वो विषम संख्या। 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम बता रहे दोस्तों, 11 के बाद 9, 12, 7, 5, 2, यही आपका राइट आंसर होगा। 87 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, भाग की संक्रियाएं होती हैं दोस्तों, भाज्य भाजक भागफल उपयुक्त सभी, जी हैं दोस्तों सभी का आपने नाम सुन रखा होगा। 88 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं कौन कौन से दोस्तों, पठन लेखन व्याकरण या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों हमारा 89 नंबर प्रश्न क्या रहा, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, देखिए लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, जी हाँ दोस्तों अपर्याप्त ज्ञान है तो दिक्कत होती है, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अब बात आती है कि 90 नंबर क्वेश्चन में 99 में दहाई है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका सिंपल हो जाएगा, भ विकल्प इकाई दहाई आप लोग पढ़ लेते होंगे, ठीक है दोस्तों 99 अगर ऐसे लिखा है तो पहला भी दोस्तों इकाई भी 9 है और दूसरी दोस्तों दहाई भी हमारा 9 है, इकाई दोस्तों दहाई सैकड़ा हजार आप ये सब पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों कभी ऐसा लिखा है 1, 2, 3 तो दोस्तों इसमें इकाई क्या हो जाएगा आपका, इकाई दोस्तों हो जाएगा आपका 3, पहला इकाई होता है, 2 हो जाएगा दोस्तों आपका दहाई, 3 हो जाएगा दोस्तों आपका सैकड़ा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको संख्या बनाना चाहें तो दोस्तों बनेगी कैसे, 123 कैसे लाएंगे, सैकड़ा का मतलब होता है दोस्तों 100 का गुणा 1 से हो जाएगा प्लस का दहाई 2 है ना, तो 2 का गुणा दोस्तों हम 10 से करेंगे प्लस का 3 इकाई तो 3 का गुणा 1 से करेंगे, ये होता है दोस्तों पूरा प्रोसीजर। यहाँ पर दोस्तों 100 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जोड़ने 10 गुणे 20 दो करेंगे 20 आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे 123 आएगा, तो दोस्तों ये प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की, लेखन एवं मतलब लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह कथन किसका है, श्रीमती मॉन्टेसरी, ठीक है। 92 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा देखेंगे, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका, क, ख, ग, घ, ठीक है। 93 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन होता है दोस्तों, पहला प्रत्यक्ष निरीक्षीकरण तथा स्वानुभव, दूसरा विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा स्वाध्याय तथा पाठनाभ्यास, चौथा है उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका हमारा विकल्प नंबर द बिल्कुल सही होगा उपयुक्त सभी। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है दोस्तों, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, जी हाँ दोस्तों ये आपका विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। 95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विवृत स्वर होता है कौन सा दोस्तों, आ और औ, ठीक है। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, आनंद का पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोद प्रमोद सुख उपयुक्त सभी, तो दोस्त इसका भी आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अब 97 नंबर दोस्तों प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मतलब कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है दोस्तों, आपको दीर्घ स्वर बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब देखने वाले हम लोग कि किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, इसका आंसर होगा दोस्तों ब, ठीक है ना, आपका निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है दोस्तों, देखिए वहां उस समय बोल कर भी आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं, आप एक बार चेक करते रहिएगा। 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है, ठीक है, वाक्य जहां भी जहां ही कम ठहरना होता है वहां कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों, उसका दोस्तों आंसर होगा आपका अल्पविराम का, जी हाँ दोस्तों इसको हम कॉमा बोलते हैं, ऐसे नहीं कॉमा लगाते हैं आपको ऐसे लगाते होंगे, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4328 4328 में दहाई वाली संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल था, हमने देखा पहला इकाई होता है दूसरा आपका दहाई होता है, मतलब विकल्प नंबर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका सही आंसर, ठीक है आप विकल्प। अब दोस्तों बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो दोस्तों उसे बोलते हैं घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों आरोही होता है, घट रहे हैं ना हम लोग। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल संख्या में वृद्धि करना बढ़ाना अथवा योग करना कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अविकल्प जोड़, ठीक है ना, मूल संख्या में दोस्तों अगर वृद्धि करें बढ़ा रहे हैं या जोड़ रहे हैं योग करें जिसको हम जोड़ कहते हैं, किसी भी संख्या के मान होते हैं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, किसी भी संख्या के दो मान होते हैं। अब 103 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, 105 नंबर, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, तो 3 अंकों की दोस्तों सबसे पहली संख्या आपकी 100 बनेगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या आपके दोस्तों 999।
तीन अंकों की। पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण दोस्तों क्या होता है? शीघ्रता से पठान। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग शीघ्रता बहुत जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। दूसरा, भाव को समझ कर ना पढ़ना। तीसरा, अधिक तेज आवाज में पढ़ना। या चौथा, उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। 107 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं। लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सरस्वर पठन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? सरस्वर पठन। अब दोस्तों बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 108। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? सार्थकता, क्रमबद्धता या उपयुक्त दोनों। इसका आंसर होगा दोस्तों सा विकल्प, सार्थकता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। 109 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है दोस्तों आपका? कंठ। का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, तो पहला आशा, दूसरा स्पृहा, तीसरा अभिलाषा, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको ये इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 111 नंबर दोस्तों कोष्टक चिन्ह है, ये दोस्तों आप देख रहे होंगे छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इसको दोस्तों बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट में दोस्तों सभी आपके ब्रैकेट के चिन्ह है, तो सभी। इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अब दोस्तों बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन की, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों अ विकल्प, ठीक है ना। किसी कथन को दोस्तों जब विस्तार देने वाले विवरण को हम प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों ये वाला चिन्ह का यूज करते हैं। तो काफी बच्चे कहीं पर भी कोई भी चिन्ह लगा देते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए कब कौन सा चिन्ह का उपयोग हमें करना है। 113 नंबर शुद्ध शब्द है दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा सही से लिखा गया है? तो आपका द विकल्प सही है, उज्ज्वल सही लिखा है ये। 114 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा रहा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको दोस्तों हम बोलते हैं विवृत स्वर, जब आप दोस्तों कुछ बोलते हैं और आपका मुंह खुला रहता है ना। 115 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शब्द की विशेषताएं होती हैं। पहला दोस्तों शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, शब्दों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही, चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सभी जो विकल्प आपने देखा सभी बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 116 नंबर क्वेश्चन की, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अवरोही का मतलब दोस्तों होता है आपका घटता हुआ क्रम, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ दोस्तों यहाँ जरा इस क्वेश्चन में देखिए, 7864 ये सबसे बड़ा लिखा है, फिर दोस्तों आपका 54 आएगा, 46 आएगा और लास्ट में दोस्तों घटेगा क्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए पहला विकल्प यहाँ पे टिक किया गया है, सबसे पहले दोस्तों लिखा है आपका 7864, फिर 254, फिर 46, फिर लास्ट में 78, ठीक है दोस्तों। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो अवरोही का मतलब ही दोस्तों होता है आपका घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटता क्रम, घटता मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। 117 नंबर क्वेश्चन, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। दोस्तों किसी भी संख्या को अगर आप लोग 0 से गुणा कर देते हैं, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, किसी भी संख्या को दोस्तों अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या आपकी 0 बन जाएगी। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। शून्य को किसी भी संख्या से दोस्तों जब हम भाग करें तो भागफल आपका शून्य ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अगर दोस्तों ये लिखा 0/100, आंसर आपका 0 ही आएगा, लेकिन दोस्तों अगर 100/0 हो जाएगा तो आंसर आपका अनंत आ जाता है, इनफाइनाइट। अब दोस्तों बात करेंगे 119 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो दोस्तों अगर हम जब दोनों को जोड़ लेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। देखिए बाय विकल्प आपका करेक्ट है, कैसे? हमने सिर्फ दोस्तों पहली संख्या जोड़ी, 9 और 9, 9 9 18 होता है दोस्तों, और सभी में आप देख रहे हो किसी में भी 18 इकाई का अंक नहीं है। तो 1 सेकंड में दोस्तों आप इसका आंसर कर सकते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1 सेकंड में कितनी दहाइयां होती है? अभी दोस्तों हमने देखा था 10, कैसे आया था दोस्तों 10? क्योंकि हमें पता है कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई, या दोस्तों अगर आप 10 इकाई बराबर दोस्तों आपकी 1 दहाई होती है, तो 100 सेकंड में मतलब दोस्तों 10 इकाई से भाग कर दिए दोस्तों आके आपका 10 दहाई, ठीक है दहाई। अब दोस्तों बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है दोस्तों? 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण की स्पष्टता या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। 122 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, पठन का महत्व होता है,
पहला ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आप पढ़ाई करते हैं भाई, हम हर चीज करने के लिए करते हैं। आपका दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, य र ल व व्यंजन कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों देखिए कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आता है आपके। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 124 नंबर क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ब, तालु, ठीक है ना। च वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान आपका क्या है, तालु। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 125 नंबर, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या होती है, इसका आंसर होगा 5। कौन कौन से दोस्तों वाविल होते हैं अंग्रेजी में बता दीजिए जरा, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 126 नंबर क्वेश्चन, इति श्रुति मतलब इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ये। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में पहले भी आ चुका है। अब 127 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। ये दोस्तों आपको बताना कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिल। 128 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा। तो शुद्ध शब्द दोस्तों आपको उज्ज्वल दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। 129 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन ज्ञा जिस वर्ड से मिलकर बना है, दोस्तों वो वर्ड कौन सा है। इसका आंसर होगा दोस्तों यह कैसे बना आपका, मतलब ज्ञा कैसे बना है आपका, ज प्लस या, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या, हिंदी में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं दोस्तों आपके हिंदी में, हिंदी में आपके दो वचन होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अवरोही क्रम है मतलब घटता हुआ क्रम। देखिए 15 18 15 13 9, दोस्तों देखिए क्रम आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, सही आंसर होगा। 132 नंबर दोस्तों प्रश्न है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं, या तो दोस्तों आप इसको 10 दहाई बोलिए, ठीक है, या तो आप इसको एक सैकड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, 100 इकाई के समूह को हम एक सैकड़ा बोल सकते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन थी दोस्तों, जोड़ तथा घटाना, गुणा, भाग, क्रम एक व दो दोनों। तो दोस्तों आपका सब विकल्प सही है, क्योंकि ये बोला है कि आपका आप विकल्प भी सही है, जोड़ घटाना भी, और दोस्तों आपका गुणा और भाग वाला भी तरीका बिल्कुल सही है। अब 134 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं दोस्तों, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों सही बताया जा रहा है कि इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़े से जोड़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 135 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न, गुणा की संक्रिया नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शेष। जब आप गुणा करते हैं दोस्तों यहाँ पर शेष नहीं बचता ना आपका, और सब कुछ बच जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 135 क्वेश्चन देखे, और जिन बच्चों ने दोस्तों बता रहे हैं 135 में से 30 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब देते हैं, तो उनकी बैक आने की संभावना लगभग जीरो हो जाएगी। और दोस्तों कम से कम जो बच्चे 100 प्लस चल रहे हैं, और जो बच्चे थोड़े नंबर कम पाए हैं, देखिए जो बच्चे 100 प्लस है वो कम से कम वीडियो को 2 बार रिविजन करेंगे, जिनके 100 से 200 नंबर कम आ रहे हैं 4 से 5 बार आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, बार बार देखने से आपको कम से कम 135 क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा मार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिस्ट कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को पेपर के लिए।